तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे चर्चा कल के हुए लखनऊ और पंजाब किंग्स के मैच के बारे में। ए टाटा IPL का मैच नंबर 21 था, जो कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था। क्योंकि ये लखनऊ का होम ग्राउंड था, इसलिए इसमें लखनऊ के पास फुल एडवांटेज था। और पंजाब की तरफ से कप्तान शिखर धवन की अनुपस्थिति के कारण पंजाब का बैटिंग ऑर्डर कुछ कमज़ोर लग रहा था। इस मैच में KL राहुल के साथ टॉस करने गए शैम कुरन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला लिया और लखनऊ को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए काइल मेयर्स और KL राहुल, दोनों ने पहले विकेट के लिए सॉलिड शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 53 रन के साझेदारी के बाद आए दीपक हुड्डा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और कुणाल पांड्या भी 17 बॉलों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद आए बिग हिटर निकोलस पूरन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और आते ही पहली ही बॉल पर रबाड़ा ने उनको कबाड़ा बना दिया। और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के शप्पा गौतम भी 2 बॉलों पर 1 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद आए युधवीर सिंह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और आते ही चले गए। और अंत में लखनऊ ने 20 ओवरों में शुरुआत में लखनऊ की कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली और पंजाब 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हुई, लेकिन कभी भी गेम में आगे बढ़ी हुई नहीं दिखाई दी। लेकिन मैथ्यू शॉट के कुछ शानदार शॉट की बदौलत और सिकंदर रजा के हाफ सेंचुरी की बदौलत पंजाब इस गेम में बना रहा और अंत में शाहरुख खान ने पंजाब की नैया को पार लगाया और पंजाब को 2 विकेट से मैच जिता दिया। इसी के साथ वीडियो में इतना ही, लौटेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।